नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सातवीं लोकसभा के चुनावी की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों का माहौल काफ़ी तेज हो गया है। होटलों, चाय व पान की दुकानों से लेकर चाक चौराहे पर हर जगह सिर्फ चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबके जहन में बस यही एक सवाल कोद रहा है कि अब की बार कौन बनेगा बहराइच का सरताज। देखिए समाचार इंडिया की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बहराइच की सुरक्षित संसदीय सीट पर 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट से जिस सांसद सावित्रीबाई फुले का सिरमौर सजा था, वही बागी चेहरा इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। वहीं सपा बसपा गठबंधन में बहराइच की सीट पर एक बार फिर सपा प्रत्याशी शब्बीर अहमद वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। बहराइच में सपा और कांग्रेस पार्टी ने जहां अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, वहीं भाजपा का चेहरा भी सामने नहीं आया है। जनचर्चाओं और कयासों के मुताबिक कई लोगों का नाम मार्केट में बड़ी तेजी के साथ रन कर रहा है, जिसमें भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व बसपा नेता जुगल किशोर व बलहा विधायक अक्षयवर लाल गौड़ के सुपुत्र आनंद गौड़ का नाम ज़्यादा चर्चाओं में है। भाजपा छोड़ के मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत जो सुरक्षित शीर्षे में सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा में से जीत करके जब मैं 2014 में दिल्ली पहुंची, तो वहां पर भारत के संविधान आरक्षण को बदलने की साजिश जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, जिसको लेकर के पूरा देश आज आक्रोशित है। मैंने भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए निरंतर लोकसभा में मैंने मांग किया कि अगर भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, अगर संपूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। इसलिए भारत के संविधान को लागू कराने के लिए मैं आई हूँ, और जिस तरीके का भारत के संविधान को बदलने की साजिश बीजेपी और आरएसएस कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको सुनने को देखने को पढ़ने को मिला होगा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भारत के संविधान आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। यही नहीं, राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि हम भारत के संविधान आरक्षण को बदलने के लिए आए हैं। यही नहीं, बीजेपी का मंत्री बोलता है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान हमारा सुरक्षित नहीं
रही है, ये हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी को छोड़कर सारे दल के लोग नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित नहीं है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश में सभी जात धर्म संप्रदाय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूं। और निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होते हैं तो उनके नेतृत्व में हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा और देश में गैर बराबरी समाप्त होगी, सभी को बराबर का हक मिलेगा। कहाँ से आगामी लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मैं बहराइच लोकसभा से ही। बहराइच से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट।